हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति मैम फ्रॉम एमईपीएल क्लासेस। बहुत सारे बच्चों की सीएस स्कीम को लेकर बहुत सारी क्वेरीज है। अब ये न्यू स्कीम आ तो गई, बट बहुत सारे क्लैरिफिकेशन और बहुत सारे डाउट्स अभी भी बाकी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी फ्रॉम द वेरी बेसिक टिल यू बिकम सीएस। तो एक सीएस जो होता है वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल होता है, क्योंकि उसके ऊपर लॉ की बागडोर होती है। तो अगर किसी को लॉयर नहीं बनना है लेकिन लॉ में बहुत इंटरेस्ट है तो ये कोर्स बहुत ज्यादा सजेस्ट की जाती है, क्योंकि इसमें आपको लॉ का इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है और बहुत सारे लॉ सिखाए जाते हैं। मैं यूं बोल सकती हूं कि लॉ का समुंदर है सीएस कोर्स। तो अगर आपका लॉ के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आपको लॉ बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है तो आपको ये सीएस कोर्स जरूर करना चाहिए। मैं आज आपको समझाऊंगी कि ये सीएस की जर्नी आप कैसे तय करोगे शुरुआत से लेके टिल यू बिकम सीएस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं इसमें कितने स्टेजेस होते हैं। बेसिकली तीन स्टेज होते हैं, तीन एग्जाम के लेवल होते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा होता है वो है हमारा CSEET एग्जाम। अब इसको लेकर भी बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट है। तो सीएस के एंट्री का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज CSEET। अगर आप सीएस कोर्स में एंट्री लेना चाहते हो तो पहला पड़ाव है आपका CSEET एग्जाम्स। इसके लिए एलिजिबल कौन है? जिन्होंने क्लास 12 का एग्जाम पास कर लिया है। बट मैं आपको बताऊं, आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप पहले भी कर सकते हो, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है उसके पहले भी। लेकिन आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो जब आपने क्लास 12 के एग्जाम्स को सक्सेसफुली पास कर लिया है, तो आप ही एग्जाम दे सकते हो। एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है और बार बार बच्चे इसके लिए डाउट पूछते हैं कि मैम ये क्लैरिफिकेशन मिल ही नहीं रहा है। मैं बताती हूँ बच्चों, सीएस कोर्स में एज सच कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट आप सीएस के सेकेंड स्टेज में चले जाओगे तो ये गलत पता है इंफॉर्मेशन। मैं आपको बताती हूँ सही क्या है। अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो भी आपको CSEET का एग्जाम देना पड़ेगा। सिर्फ दो कैटेगरी है जो एग्जेम्प्ट है CSEET देने के लिए, वो है जिन्होंने अपना CA फाइनल या फिर CMA फाइनल का एग्जाम्स कंप्लीट कर लिया है, वो डायरेक्टली CS एग्जीक्यूटिव जो हमारा सेकेंड स्टेज है उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट, नो डायरेक्ट एंट्री। CSEET आपको देना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं CSEET का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया गया है। चुन चुन के इंस्टीट्यूट ने पेपर दिए, बिजनेस एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, लीगल एप्टीट्यूड, LR, करंट अफेयर्स, ताकि आपका फाउंडेशन, आपका बेस बहुत अच्छा हो सके। अगर अब बात करें तो उसके बाद हमारा आता है सेकेंड स्टेज जो है हमारा दूसरा पड़ाव जिसका नाम है CS एग्जीक्यूटिव। जी हाँ, CS एग्जीक्यूटिव हमारा सेकेंड स्टेज होता है जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं और इसके भी कुछ पेपर्स में चेंजेस आए हैं जैसा आप लोगों को पता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि उसके ऊपर भी एक वीडियो हम लोग लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप जब CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम पास कर लेते हो तो आप तैयार हो जाते हो प्रोफेशनल के लिए? नहीं, आपको कुछ ट्रेनिंग करनी होती है। आपको एक डेवलपमेंट प्रोग्राम करना होता है जिसको EDP बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एक महीने का ड्यूरेशन का होता है। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 15 क्लास जो होती है वो आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो और 15 क्लास आपको क्लास मोड में करना होता है। मैम ये कौन कराता है? CS इंस्टीट्यूट ही कंडक्ट करवाते हैं ये EDP प्रोग्राम। तो EDP आपको करना पड़ता है जैसे आप एग्जीक्यूटिव पास कर जाओगे। कोई डाउट मत रखना, अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना, हम लोग जरूर आपके आपको रिस्पॉन्स करेंगे आपकी क्वेरी को। कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए, दिस इज आवर अल्टीमेट मोटिव। तो आप EDP प्रोग्राम आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव एग्जाम पास करने के बाद। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 21 महीने की। इस बात को लेकर तो मेजर लोगों को बहुत डाउट है कि मैम कितने महीने की ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि पहले ड्यूरेशन कम होता था बट अब आपको 21 महीने की ट्रेनिंग करनी है, वो भी होल टाइम बेसिस पे। जो आपका नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है 11 से 5 या 10 से 5, 10 से 6, वो आपको करना पड़ेगा CS कंपनी के अंदर, जहां पे फुल टाइम CS होते हैं उनके अंडर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। बहुत लोग इसको आर्टिकलशिप भी बोलते हैं। तो ये 21 महीने की ट्रेनिंग जरूरी है। तो अब अगर आप सेकेंड
स्टेज का पड़ाव आपने पार कर लिया है तो आपको दो चीज करना है, ईडीपी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 21 महीने की। तो मैं बोल सकती हूँ 22 महीने के बाद आप तैयार हो जाओगे थर्ड स्टेज के लिए, दैट इज योर फाइनल स्टेज, जिसका नाम है सीएस प्रोफेशनल एग्जाम। ये हमारा प्रोफेशनल एग्जाम है, मीन्स फाइनल लेवल है। इसके बाद तो आप सीएस बनने वाले हो, एक बहुत सुनहरी, एक बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप प्रोफेशनल एग्जाम दे देते हो, रिजल्ट का बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम आपने दे दिया, एग्जाम आपने पास भी कर लिया, अब रिजल्ट आ गए, पास कर लिया, तो आपको एक डेवलपमेंट प्रोग्राम और करना पड़ेगा जिसका नाम है कॉरपोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 30 दिन से लेकर 60 दिन का होता है। और यहां पर आप बन गए सक्सेसफुल सीएस। करेक्ट, एकदम सही सुना आपने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने एक एक डाउट आपका आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। एग्जीक्यूटिव कब होगा? सबसे पहले सीएसडब्ल्यूईटी देना ही होगा। सिर्फ दो केस है जब आप सीएसडब्ल्यूईटी के लिए एग्जेम्प्ट हो, अदरवाइज आपने कुछ भी पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, यू हैव टू अपियर फॉर सीएसडब्ल्यूईटी। सेकेंड आपका पढ़ाव है सीएस एग्जीक्यूटिव, पास करने के बाद आपको दो चीज करनी है, ईडीपी एंड 21 महीने की ट्रेनिंग। उसके बाद आप प्रोफेशनल एग्जाम दे सकते हो, फिर उसको पास करने के बाद आपको एक और डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है जिसको बोलते हैं कॉरपोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो लगभग 30 से 60 दिनों का होता है। और इस तरीके से आप बन जाते हो सक्सेसफुल सीएस। इसके बाद तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप चाहो तो जॉब कर लो, आप चाहो तो एक फर्म में काम कर सकते हो, है ना। और आप इससे क्या बन जाते हो, सीएस इंस्टीट्यूट के मेंबर। तो आप मेंबरशिप के लिए उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल यू बिकम सीएस क्या होने वाला है। बहुत इंफॉर्मेटिव मैंने आपको आज एक शेयर किया है, बहुत एक इंफॉर्मेटिव ये वीडियो था। इसी तरीके के वीडियोस हम लोग और लेकर आएंगे, आपका एक भी डाउट नहीं रहने देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देना है। अगर इस वीडियो के बाद आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्वेरी जरूर रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट रोड मैप था सीएस बनने का, रोड मैप ऑफ सी एस जर्नी। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कॉलेज मेट्स और जो भी आपके बैचमेट्स हैं जिनको भी सी एस को लेकर काफी सारे डाउट हैं। ऐसे ही वीडियोस आप तक आते रहे, एक भी ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस नहीं हो जाए, इसलिए हमारे सारे एमईपीएल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारा जो सीएस एक्सक्लूसिव एमईपीएल का चैनल है उसको भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। एमईपीएल सीएस एक्सक्लूसिव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस दी बेल आइकन। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर बैचमेट्स। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बहुत तड़क भड़क तगड़े वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।